हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश शर्मा पाड़ी बाय नेचर। शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। तो दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत, टाइम हो चुका है 6:30 AM के, और घर में हो चुका है हंगामा। क्यों हो चुका है हंगामा बताए 6:30 बजे? आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, यशस्वी के आज स्कूल का पहला दिन है। पहला दिन इसलिए है क्योंकि आज वो फिफ्थ में गई है, फिफ्थ का पहला दिन है। सो गाइस, ये देखो, ये हो गई है तैयार। से गुड मॉर्निंग टू गाइस। और यहाँ है नीतू, और एज यूजुअल घर में दोनों माँ बेटी की हो रही लड़ाई, क्योंकि जब भी बाल बनते होती है लड़ाइयाँ। और ये देखो यशस्वी का मुंह। और यहाँ है नीतू। सो गाइस, सवेर की शुरुआत हो चुकी है, यशस्वी आज स्कूल जा रही है। आज ये अपने फिफ्थ स्टैंडर्ड के पहली बार फिफ्थ क्लास में जा रही है। मैंने फिफ्थ क्लास देखी हुई है। देखी हुई मतलब क्या होता है? मैं देखी हुई है। नहीं, देखने से क्या होता है? लंच ब्रेक में चले जाते थे ऐसे। तो आप एक काम करो, कल से ना टेंथ क्लास में अपने देखिए, जाके उसमें बैठ जाओ। टेंथ में हमें जाने देते, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर हमें जाने देते। हाँ, तो फिर सिक्स क्लास में तो हो सकती है, उसी क्लास में सिक्स में से ले आते, सेवन्थ में से ले आते। ऊपर है, ऊपर जाके बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही? वो भी देखिए आप, ये कोई बात है दोस्त? यहाँ लग गया है लंच। लंच में है इसके लिए क्या है, फ्राइड राइस और साथ में है कुछ फ्रूट्स। ये लंच लेके जा रही है। और एज यूजल मैं भी तैयार हो चुका हूँ, फ्रेश भी हो चुका हूँ। और नीतू और मैं अभी इसको विदा करते हैं, जल्दी जल्दी भगाते हैं इसको स्कूल के लिए, और फिर हम लोग निकलते हैं अपने वॉक के लिए। दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं वॉक के लिए। वॉक में साथ में है नीतू, हूँ मैं। सो गाइस, अभी जल्दी से वॉक करते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज की किरणें जब ज़मीन पर पड़ती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, इतना शानदार। हाँ, मज़ा आ गया दोस्तों, थक गया हूँ चलते चलते। और यहाँ नीतू वॉक कर रही है, और यहाँ हूँ मैं आपका दोस्त दिनेश शर्मा पहाड़ी बाय नेचर से। सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो गाइस, अभी यशस्वी जा चुकी है स्कूल, और नीतू भी चली गई ऑफिस, और मैं भी निकल चुका हूँ अपने काम के लिए। ये मैंने कुछ वेयर किया हुआ है। सो गाइस, आज मुझे जाना है दो जगह। पहले तो मुझे अपने ऑफिस के काम के लिए निकल रहा हूँ कहीं बाहर, वो काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल रहा हूँ। मेरी एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उसका बेटा हुआ, उसका नामकरण है, तो वहाँ भी जाना है। पहले तो प्लान था गाइस सभी लोग जाएंगे, तो फिर डैडी और मम्मी भी थोड़ा सा कुछ उनका कुछ काम था, वो भी नहीं जा रहे। नीतू का तो ऑफिस था, तो उसकी वजह से नहीं जा पाई। छोटाला भाई और उसकी वाइफ, वो लोग जा रखे हैं देहरादून। सो गाइस, अभी तो फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। सुबह 6 hours later। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरे दांत में ना एक और दांत आ रहा है, शायद आके दिख रहा होगा ये। तो ये वाला दांत मेरा हिल नहीं रहा था, एंड अभी आज डेंटिस्ट के पास इसको निकालने जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ कोई स्पेशल पर्सन भी है, वो है दादू। हाय दादू। पापा अभी कार ड्राइविंग कर रहे हैं। यस, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यशस्वी के लिए एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। सो हम चेक करा रहे हैं कि इसका दांत के एक्चुअली दांत के अंदर एक और दांत आ गया है। सो क्या हो रहा है कि शायद इसके जो पुराना वाला दांत है ना, वो उसे तोड़ना पड़ेगा। सो आज हम उसे चेक करेंगे कि क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, और जब बाद में हम लोग एक दो दिन के बाद तो इसके दांत को तोड़ेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, दादू के साथ यशु जा चुकी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली दांत इसका ना अंदर से आ रहा है, और जो पुराना वाला दांत है वो बाहर हो गया है। सो ऐसा ना हो कि बाद में दांत खराब हो जाए, तो इसलिए मैं एक डॉक्टर हैं, ये हमारे पुराने डॉक्टर जानकार हैं, इनसे कंसल्ट कर लेते हैं आज। और यशस्वी मुझे बुला रही है गाइस, ये आइए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गई मुझे बुलाने के लिए। सो गाइस, पहले मैं आके एक बार यशु से मिल लेता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हुआ। यशु बैठी हुई दादू के साथ, अंदर जाके देखते हैं क्या है। डॉक्टर साहब, ब्रेव लड़की है, डरती नहीं है ये। आज से बोला कि अगर दांत भी टूटेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल रही थी। गाइस, अभी दादू गए हैं अपने दांतों को चेक कराने के लिए। यशस्वी कैसा रहा फिर, डर लगा? चेक किया। तो गाइस, अभी हम डॉक्टर के क्लिनिक से निकल गए हैं, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एंड पहले डॉक्टर ने ना मुझे, उनकी जो चेयर होती ना डेंटिस्ट की, उनमें मुझे डाल दिया। लाइट इतनी तेज़ वाली लाइट थी, एंड मेरे चेकअप में देखने लगे मेरे दांत में,
ठीक है, मतलब मैं डर रही थी थोड़ा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना, तो मैं थोड़ा डर रही थी। पर मुझे ये पता था अभी वो चेक कर रहे हैं, वो अभी दांत ही तोड़ रहे हैं, तो मुझे इतना भी डर नहीं लगा था, तो अच्छा लगा मुझे थोड़ा, पर थोड़ा डर भी लगा। तो डर लगा था, मुझे लगा था आज ही टूट जाएगा दांत, पर उनका डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम सीधा पहले चेक करेंगे कि आपके दांत में क्या हो रहा है, कि हम की तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो मुझे अभी डर नहीं लगा था इतना। तो इससे पहले भी दादू इसी डेंटिस्ट के पास गए थे, तो दादू तो जब आप यहाँ पर पहली बार गए थे तो आपने अपने दांतों में क्या करवाया? मैंने अपने पुराने दांत निकाल करके नए दांत सेट करवाए हैं। अच्छा, तो आपको दर्द ही नहीं हुआ? नहीं दर्द हुआ। तो आपने आइसक्रीम खाई फिर? हाँ आइसक्रीम भी खाई। कौन सी? मैंने खाई थी चौक बार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या चौको बार? चौको बार आपको अच्छी लगी फिर वो? हाँ अच्छी लगी। तो आज आपने चेकअप फिर से करवाया था? हाँ फिर से चेकअप कराया, कराना चाहिए दांतों को हमेशा। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो पहले घर पहुंचाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए घर, टाइम हो चुका है 7 बज गए हैं, नीतू आ चुकी है ऑफिस से, ये हाय कौन करेगा? सो गाइस नीतू आ गई है ऑफिस से। सो आज नीतू ऑफिस से बहुत ही टाइमली पहुंच गई, डॉक्टर ने ये बोला है यीशु को कि इसका दांत जब टूटेगा तो शायद कुछ थोड़ा बहुत दर्द रहे, तो मैंने डिसाइड ही किया है कि फ्राइडे कमिंग जो फ्राइडे है, जो गुड फ्राइडे आज की छुट्टी है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हमें मिलेंगे 3 दिन। सो हमने सोचा है कि थर्सडे की शाम को जैसे आप को तोड़वा लेंगे थोड़ी दवाइयाँ कुछ चीज़ों के साथ, 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली ठीक हो जाएगा, तो मंडे ऑनवर्ड्स ये स्कूल भी ईजिली आराम से जा पाएगी, क्योंकि दांत में ज़्यादा दर्द होगा तो फिर स्कूल में भी दिक्कत हो सकती है। सो थर्सडे की शाम को इसका दांत को दोबारा सा जो उसका टूटना है वो टूट जाएगा। अभी यशस्वी को मम्मी की तरफ से मिला था होमवर्क, सो आज अभी इसकी होने इसकी पड़ रही है डांट, क्योंकि इसको मैथ के कुछ चीज़ें जो आपको जैसे पता है इसके मैथ में लास्ट टाइम एग्जाम भी कम आए थे, तो हम इसका फोकस हम लोगों ने प्लान कर लिया कि मैंने तो कैच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बड़ा शॉर्टेज होती है, उसमें ब्लॉग भी कर रहा हूँ आजकल में, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है मेरे को, मैं ब्लॉग भी ऑफिस भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो नीतू आजकल उसको पूरा पूरा ध्यान दे रही है इसकी मैथमेटिक्स में, तो उसको एग्जाम दिया था। यहाँ देखिए नीतू चेक कर रही है इसके जो उसको आज मिला था होमवर्क, यहाँ यशस्वी। सो गाइस देखिए आप यशस्वी अब इंग्लिश की पढ़ाई भी कर रही है, साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रही है, और नीतू सबके लिए डिनर बना रही है। सो गाइस डिनर आ चुका है, यशस्वी लेके आ रही है डिनर, पता है शाही पनीर साथ में चपाती और साथ में खूब सारा सैलेड, यशस्वी अपना डिनर भी लेके आ चुकी है। तो गाइस एक और चीज दिखा। हाँ क्या दिखा? ये देखो। व्हाट? ये क्या है? ये रोटी। अरे ये तूने बनाई? गाइस ये देखो ये इसके काम वाला है, ये जो छोटी सी रोटी बनाई, दिखाई दिखा दिखा फिर से दिखा। अरे वाह कितनी क्यूट सी लग रही है ना रोटी, देखो गाइस ये काम करती है। सो गाइस डिनर करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। सो हे गाइस टाइम हो चुका है 10:45। सो गाइस अभी सब लोग सो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यशस्वी सो चुकी है, मैं गाइस ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, और नीतू सो चुकी है। सो गाइस आज का दिन जैसा भी था आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और गाइस अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।